आप लोग सब अच्छे होंगे। और मैं आज बता दूं कि मैं फर्स्ट टाइम जब अपने ससुराल आई थी, दो टॉपिक पे आज बात करूंगी। पहला तो मैं आपको एक गीत सुनाऊंगी, बहुत ही प्यारा भजन, कृष्ण भजन आज गाऊंगी। और जो मैं फर्स्ट अपनी स्टोरी सुनाने वाली हूँ, मेरी शादी की, जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम का मैं वो गीत सुनाऊंगी आपको। तो मैं बता दूं, मेरी शादी को 19 साल हो गए हैं। और जब मैं पहली बार अपने ससुराल दुल्हन बन के आई थी, तो आप लोग जानते हैं कि ससुराल का कितना हंसी खुशी का माहौल होता है, सब लोग कितने प्रसन्न होते हैं नई दुल्हन को देखकर। तो मैं बता दूं कि जब मैं आई थी तो शाम का समय था, मेरे घर में सभी लोग बैठे हुए थे। और मेरे पापा उस टाइम बहुत अच्छा गाना गाते थे। अब तो ये आवाज मेरे पापा की उतनी स्पष्ट नहीं, क्योंकि मेरे पापा की एज 93 ईयर्स ओल्ड है। तो मैं बता दूं कि मेरे पापा ने जब मेरे को गाना सुनाया, सब लोग बैठे हुए थे, पूरा आंगन हम लोगों का भरा हुआ था, गाँव का माहौल तो आप लोग जानते हैं, और बड़ा सा मेरा आंगन है, तो उसमें सब लोग बैठे हुए थे। मेरे पापा पेटी बजा रहे थे और मेरी जो भाभी और ननंद लोग थी, कोई ढोलक बजा रहा था, मैं मंजीरा बजा रही थी, जिसको झांझ बोलते हैं गाँव की भाषा में, मैंने वो बजाया था। तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगा था मेरा वो बजाना। लेकिन मेरे से भी रिक्वेस्ट की गई कि आप भी गीत गाएं कोई। लेकिन मैं बता दूं कि मेरा कभी गाँव से कोई टच नहीं था, तो मुझे कोई भी गाँव के गाने नहीं आते थे। लेकिन मेरे पापा को बहुत शौक था कि मैं गाना गाऊं। तो मैं दोस्तों उसी टाइम का गाना आपको सुनाऊंगी जो फर्स्ट टाइम मेरे को मेरे ससुराल में सुनाया गया था। आज जो गीत मेरे से बनते हैं वो सब मेरे पापा के ही वजह से बनते हैं, और वही मैं गाना आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। तो दोस्तों प्लीज आप लोग मेरे गाने को सुने और बताएं कि मैंने कैसा गीत गाया उस टाइम का, शादी के समय का। और तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आज मैं आप लोगों को कृष्ण भजन सुनाने वाली हूँ। उसमें कृष्ण भगवान कैसे शरारते करते हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए मैं गाना स्टार्ट करती हूँ। देखो राधा बनी कप्तान मुरारी मुलजिम बने, देखो राधा बनी कप्तान मुरारी मुलजिम बने, काहे सुनाया वो आप लोगों को कैसा लगा। और मैं बता दूं कि आप मेरे चैनल पे, जो लोग नए आए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों आप लोग मेरी मेरे को सपोर्ट करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए अभिलाषा का